हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर शहर विधायक ने देखी टूटी सड़कें व सिवरेज लाइन, विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा, ठीक करवाने का दिया आश्वासन। शहर विधायक मनीषा पवार ने गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यहां शिकायत मिलने पर क्षतिग्रस्त सड़कें व सिवरेज समस्या को देखा और आम जन को उन्हें ठीक करने का आश्वासन दिया। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार को उम्मेद चौक और आसपास रहने वाले लोगों ने जन समस्याओं को लेकर शिकायत की थी। ये इलाका शहर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस पर विधायक मनीषा पवार आज सुबह नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व तोमर व अन्य अधिकारियों के साथ उम्मेद चौक पहुंची। उन्होंने यहां से घंटा घर तक पैदल दौरा किया, साथ ही आम जन की समस्याओं को सुना। यहां सड़क व सिवरेज लाइन की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। विधायक ने क्षेत्र में घूमकर समस्याओं के निवारण के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही आम जन को भी समस्या समाधान का आश्वासन दिया। शुरू से ही काफी लंबे समय से यहां सिवरेज की और सड़क की समस्या रही है। पूरे मोहल्ले वासी बार बार समय समय पर नगर निगम और मुझे अवगत कराते रहे हैं, क्योंकि मैं इसी मोहल्ले से हूँ और मुझे पता है कि यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है। तो मैंने अधिकारियों के निगम के अधिकारियों से बात करी, सीओ साहब से बात करी, उन्होंने कहा बिल्कुल अपन चलेंगे, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे और इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। सीओ साहब मेरे साथ आए हैं, उन्होंने पूरा उम्मेद चौक से लेकर घंटाघर तक पूरा सड़क और सीवरेज की समस्या को देखी है और मुझे आश्वासन भी दिया इन्होंने, और मुझे विश्वास है कि जल्दी से ये समस्याएं खत्म होगी और इसको हम दुरुस्त करेंगे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।